Assalamu alaikum, lecture number 2. I'm Miss Sonia from Fisherwoman School. Now, today we will read the unit number 2, Our Village. Our Village में students explain किया गया है village life को कि किस तरह से हम शहर की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. एक इसमें हमारा बहुत hectic एक schedule होता है, रूटीन है कि सुबह ये काम करना है, या अगर आपके फादर है तो उसके पास ऑफिस जाना है, रात को लेट नाइट वापस आना है, और अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल, स्कूल के बाद जो भी आपकी स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं वो, और इसी तरह हमारा बहुत जो है जो शहरी ज़िंदगी है उसका बहुत ज़्यादा एक टफ रूटीन होती है, जिसमें उनके लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें. और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है, तो जाहिर सी बात है धुआँ और ये वो पोल्यूशन के भी उतना ही ज़्यादा, ना तो यहाँ पे साफ पीने वाला पानी हमें इतना प्रोवाइड होता है, और ना ही हमारी जो सराउंडिंग्स है, जो हमारी है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो भी पोल्यूशन उससे भरपूर है. लेकिन उसके बरस अगर हम विलेज लाइफ को देखें तो वो बहुत पुरसकून है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के बड़े बड़े सहन हैं, वहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा है, इर्द-गिर्द खेत होते हैं, और बहुत शोर शराबा भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे ट्रैफिक का शोर और धुआँ फैक्ट्रीज वगैरह का, तो उससे जिस बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है उसका वो सबब बनते हैं. और इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट है, जब वो वेस्ट करते हैं तो पानी भी हमारा इतना से हो जाता है, पानी भी ख़राब होता है, पीने वाले पीने के काबिल नहीं होता. लेकिन जो हमारी विलेज लाइफ है वहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं होता, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है वहाँ पर, कुछ इस तरह से खेत हैं, और वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे होते हैं दरख्त अगर आपकी ज़्यादा ग्रीनरी है इर्द गिर्द, और वहाँ पे शोर शराबा भी नहीं होता, वहाँ पे लोग जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे पंचायत वगैरह वगैरह का सिस्टम होता है, अगर लोगों के छोटे मोटे इश्यूज होते हैं तो वो अपने छोटे मोटे तनाजे या इश्यूज रिजॉल्व कर लेते हैं उसमें. तो वहाँ पे लाइफ पुरसकून है, खामोश, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, बहुत पुरसकून माहौल होता है. तो वो जो इन्वायरमेंट है सेहत के लिहाज से देखा जाए तो वहाँ बहुत बेटर है. अक्सर लोग जो हैं हम में से जिनके हेल्थ है गाँव वगैरह जिसके रिलेटिव्स हैं या कुछ, तो हम लोग जाते हैं. सेवन क्लास नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1, ओवर विलेज वर्ड्स मीनिंग. सजेस्टेड राय देना, रिफ्रेश आराम देना, काम और सुकून, इंस्पायरिंग मुतासिर होना, टायर्सम थका देने वाला, फैचिंग लाना, रूरल दिल्ली बहुत ज़्यादा, पंचायत डिस्प्यूट तनाज़े, रिटेन कायम रखना, ट्रेडिशंस रवाज कस्टम रस्म, पॉपुलेशन आबादी, सोरो सुगाम प्रोवाइड मुहैया करना, पोस्टल डाक, हार्वेस्टिंग फसल काटना, सोइंग बीज लगाना, रिफ्रेश ताज़ा दो. ट्रांसलेट टू उर्दू. पैराग्राफ नंबर 1. वंस अंजुम्स फादर वॉज वेरी टायर्ड ऑफिस वर्क. एक दफ़ा अंजुम के वालिद मोहतरम अपने दफ्तरी काम से बेहद थक गए थे. ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. हिज वाइफ सजेस्टेड हिम टू टेक अ फ्यू डेज लीव फ्रॉम हिज ऑफिस एंड विजिट हिज पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज. तो उनकी बीवी ने उन्हें मशवरा दिया, तजवीज़ किया कि आप चंद दिनों के लिए छुट्टी ले लें और नूरपुर गाँव जाकर अपने वालदेन के साथ मुलाकात करें. ही वुड बी रिफ्रेशिंग बाई लिविंग इन द विलेज. वो गाँव में रहकर उनकी जो वो फ्रेश हो जाएंगे. आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिन बाद ही वुड रिटर्न होम. वो घर वापस आकर टू क्वाइट फ्रेश टेक अप हिज वर्किंग. घर वापस आकर अपने काम के लिए फिर से ताज़ा दम हो जाएंगे. पैराग्राफ नंबर 2. द विलेज लिव इन सिंपल हाउस. देहात के लोग सादा घरों में रहते हैं. एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद वेयर पीपल ऑफर प्रेयर्स. हर देहात में मस्जिद है जहाँ पे लोग जाकर नमाज पढ़ते हैं. सम ऑफ द स्मॉलर विलेज, कुछ देहात छोटे हैं, डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे बिजली भी नहीं है. द विलेजेस हैव ग्रीन ट्रीज. देहातियों के वहाँ पे सब्ज दरख्त इन एंड अराउंड देयर हाउसेस, उनके घरों के बाहर और इनके बहुत ज़्यादा दरख्त लगे होते हैं. द ट्री प्रोवाइड शेडी. दरख्त साया मुहैया करते हैं. सिटिंग प्लेसेस इन द समर आफ्टर दोपहर को बैठने के लिए. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज. पैराग्राफ नंबर 3. ऑन द होल द विलेजेस आर सिंपल पीपल. मजमूरी तौर पर देहाती लोग सादा होते हैं. दे लिव लाइक अ फैमिली. वो एक ख़ानदान की तरह रहते हैं. दे शेयर ईच अदर्स जॉय एंड सोरोज. वो अपने खुशी और गम एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते हैं. आवर विलेजेस हैव अ चेंज देयर ओल्ड ट्रेडिशनल कस्टम. हमारे देहातों ने पुराने रवायात और रस्म रवाज को जिंदा रखा हुआ है. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द क्वेश्चन. व्हाई डू यू पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेज. पाकिस्तान को देहात की सरजमीन क्यों कहा जाता है. वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेज बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज एंड मोस्टली विलेजेस बिलोंग टू एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रोफेशन. क्योंकि हमारा
70% जो आबादी है वो देहातों में रहती है और बहुत से लोग फार्मिंग के ज़राअत के पेशे के साथ मुंसलिक हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ यूजली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव की कितनी आबादी होती है। यूजली अ स्मॉल विलेज हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 20,000 पीपल ऑफ लेस, एक छोटे से देहात की 20,000 या इससे कम आबादी होती है। व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन ओवर विलेज, हमारे देहातों में कौन सी सहूलियात होती हैं। ओवर विलेज हैव नो हॉस्पिटल्स, हाई स्कूल्स एंड पोस्ट ऑफिस, हमारे देहातों में हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस और हाई स्कूल्स नहीं होते। दे लैक वाटर फैसिलिटीज, पानी की सहूलियात नहीं है। सम हाउ आवर विलेज यूजली हैज़ अ रूरल हेल्थ सेंटर, वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स हैं डेट प्रोवाइड बेसिक हेल्थ ट्रीटमेंट, जो बुनियादी सेहत की सहूलियात प्रदान करते हैं। द नॉर्मली है स्मॉल शॉप्स, वहाँ छोटी दुकानें होती हैं। बेसिकली आवर विलेजर्स लैक मॉडर्न फैसिलिटीज, जदीद सहूलियात वहाँ पर मुयसर नहीं होती। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर फोर, वेयर वुड यू लाइक टू इन हेल्दी एनवायरमेंट। Sometimes our hectic and mechanical routine of life make us tired and dull. So it is better to live in healthy environment to keep our mind and body fresh and active. बाज़ुकात ऐसा होता है कि हमारा टैफ जो रूटीन सिस्टम है बहुत तेज़ी से, जैसे एक बिजली की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत थका देता है और हमें डल कर देता है। तो बेहतर है कि हम अपनी हेल्थ को और अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए करने के लिए वहाँ पे देहात वगैरह में रह सकते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई, आप वहाँ पे क्यों रहना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू लिव इन अ विलेज बिकॉज इट इज़ पोल्यूशन फ्री, पीसफुल, काम एंड क्वाइट प्लेस, फ्रेश एंड प्योर फूड इज़ रेडिली अवेलेबल देयर। इसलिए हम वहाँ पे रहना चाहेंगे कि वहाँ पे एक तो पोल्यूशन नहीं होती, पुरअमन होता है, पुरसकून होता है, खामोशी होती है और ताज़ा खुराक वहाँ पर मुहैया होती है। How do the villagers retain all tradition and custom? Villagers are simple people. They are strongly attached to their tradition, traditional culture and values and have not adopted fully the modern ways of living. So they have retained their old custom successfully. देहात के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अटैच है अपने रस्म और रवाज और रवायात के साथ, और वो जो मॉडर्न जदीद किस्म का जो लिविंग स्टाइल है उसको अडोप्ट नहीं करते, इसलिए वो कामयाबी के साथ अपनी उन्हीं रवायात पर कायम है। नेक्स्ट, मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग। फॉडर, फॉडर क्या है, फूड फॉर कैटल, फॉडर किस तरह मैच करेंगे, फूड फॉर कैटल। लॉन, लॉन क्या है, जब हम किसी से कोई मनी लेते हैं, मनी गिवन टू बी रिटर्न ओवर अ पीरियड टाइम, जो हमें एक अरसे तक एक रकम को वापस करना होता है, रकम को, उसको हम लॉन कहते हैं। पॉपुलेशन, इसको हम करेंगे मैच इनहैबिट्स ऑफ विलेज, टाउन और कंट्री। सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द, नेबर ऑफ एरिया, इर्द गिर्द के जो लोग हैं इसका मतलब है। फ्यूल, मटेरियल फॉर बर्निंग, वो मटेरियल जो जलने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन, 10% ऑफ ओवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, हमारी कितनी परसेंट पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, 70%। The population of our villages is about 10,000. हमारे विलेज की तकरीबन आबादी कितनी होती है, 5,000. The main occupation of the villagers is, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग। द पंचायत वर्क्स, पंचायत किस लिए काम करती है, वर्क वेलफेयर ऑफ द पीपल, द करेक्ट ऑप्शन इज वेलफेयर। टेक केयर योर सेल्फ, आई लव दिस सेवन क्लास,